किसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के गर्ज से चला जा रहा था। चलते चलते उसने सोचा कि वो बहुत सारी लकड़ियाँ काटेगा और घर लेकर जाएगा। फिर वो एक दरख्त के सामने खड़ा हो गया और लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ियाँ काटते काटते उसने बहुत सी लकड़ियाँ जमा की, इकट्ठा बनाया और सर पे लाद के जाने लगा। अरे वाह, कितनी प्यारी मुर्गी है। फिर वो अपने घर की तरफ चल दिया। चलते कहाँ कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी तुम्हें पता है बंटी की अम्मा? जंगल में एक नीले रंग की मुर्गी है, जाओ जल्दी से पकड़ के ले आओ। लकड़हारा जंगल गया और मुर्गी को पकड़ के अपने घर की तरफ ले आया। हाय बेचारी मुर्गी घर की दौड़ने भागने लगी और उसको अपने दोस्तों की याद आई तो वो बीमार पड़ के तड़पने लगी। अरे ये मुर्गी को क्या हो गया है? लकड़हारे की बीवी अपने भाई को बताने लगी मुर्गी का सारा किस्सा। अरे बहन, ये क्या किया तुमने? मुर्गी को पकड़ लाए, गुनाह का काम कर दिया, उसको वापस छोड़ा जंगल में, जाओ जल्दी जाओ। लकड़हारा गया मुर्गी को जंगल में छोड़ा। मुर्गी हंसी खुशी रहने लगी। देखा प्यारे बच्चों, नीले रंग की मुर्गी की कहानी। आप भी कभी किसी जानवर को इस तरह अपने घर से जुदा ना करें, ये बहुत बुरी बात है। प्यारे बच्चों, हमारी कहानी मजीद कहानियों के लिए जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।